नमस्कार मित्रों, अपने इष्ट से जुड़ने के लिए हम करते हैं पूजा पाठ आराधना प्रार्थना। आज हम चर्चा करेंगे महावास्तु के हिसाब से पूजा पाठ करने के लिए घर में कौन सा जोन सबसे शानदार है, सबसे बढ़िया रहेगा। क्योंकि प्रकृति की शक्तियों का अलग अलग देवता अलग अलग रूप से प्रतिनिधित्व करते हैं, तो उसी अनुसार ही हमारे घर के अंदर पूजा स्थान का चयन होना चाहिए। यदि जिस देवता की जैसी प्रकृति, जैसा शक्ति, जैसा गुणधर्म है, ठीक वैसा ही गुणधर्म यदि उस डायरेक्शन का आप ले लेते हैं, तो एक सिंक होती है प्रकृति की, वह एनर्जी और आपकी कामनाओं की पूर्ति होती है। आज हम चर्चा करेंगे ऐसा कौन सा स्थान है जहां पर पूजा पाठ करने से आपकी मनोकामना की पूर्ति हो जाएगी। पूजा या प्रार्थना का सर्वप्रथम यदि कोई उद्देश्य है तो वो है कि आपको आपके अंतर मन के साथ जोड़ दिया जाए, यानी कि अंतर मन से जुड़ाव होना है, यह पहला उद्देश्य है। और उसके बाद में उद्देश्य है उस सार्वभौमिक चेतना के साथ, उस परम पिता के साथ हम अपना जुड़ाव महसूस कर पाए। हमारी वैदिक परंपरा के अंदर पूजा पाठ करने के अनेक तरीके हैं, उसको हम महावास्तु के हिसाब से 16 डायरेक्शन के अंदर विभाजित कर लेते हैं। सबसे पहले चर्चा करते हैं घर के नॉर्थ ईस्ट के बारे में, जो उत्तर पूर्व की डायरेक्शन है, यानी कि आपका ईशान कोण है। पूजा पाठ के लिए यह सबसे आदर्श स्थान है, मानसिक स्पष्टता और प्रज्ञा का यह क्षेत्र होता है। इस दिशा के अंदर पूजा करने से उस भवन को भी दिव्य शक्तियों का एक आशीर्वाद मिलता है। आपको समय समय पर इनसाइट के रूप में परमपिता परमात्मा का एक मार्गदर्शन भी मिलता रहता है। लेकिन इस दिशा में बने हुए मंदिर के भी कुछ दोष हो सकते हैं। वो क्या दोष हैं? आई बटन पे आप क्लिक करके चेक कर सकते हैं कि ईशान कोण में बने हुए मंदिर के अंदर आपको क्या क्या सावधानी रखने की आवश्यकता है। तो सबसे बेस्ट रहेगा ईशान कोण के अंदर मंदिर, क्योंकि यह आपको आपके अंतर मन के साथ जोड़ देता है। बस एक विशेष रिक्वेस्ट है कि यहां पर पत्थर का बड़ा मंदिर नहीं रखना है आपने। अब दूसरे दिशा क्षेत्र की बात करते हैं, वो है ईएनई, ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। इसे महावास्तु मेथोडोलॉजी के अनुसार हम ताजगी का, फ्रेशनेस का, रिक्रिएशन का और फन का जोन मानते हैं। तो यदि यहां पर आपके घर में मंदिर बना हुआ है, यह मंदिर आपको ताजगी देने वाला बनेगा। यहां पर पूजा करने से व्यक्ति फ्रेश सा महसूस करता है। मंदिर बनाने के लिए है एक अच्छी डायरेक्शन है। यदि आपके आवास पर मंदिर बना हुआ है पूर्व की डायरेक्शन के अंदर, पूर्व दिशा के अंदर यदि आपने मंदिर बना रखा है, तो यह उन लोगों के लिए बहुत लाभदायक है जो समाज से संबंधित काम करते हैं, जैसे कोई सोशल एक्टिविस्ट है या फिर कोई राजनेता है या ब्यूरोक्रेट्स हैं। इन सब के लिए पूजा करने के लिए पूर्व दिशा जो है सबसे शानदार रहती है। यहाँ पर पूजा करने से अच्छे राजनीतिज्ञों से संपर्क बढ़ते हैं, आला कमान से भी आपका अच्छा संबंध बन जाता है। इसके आगे वाली दिशा है वो है ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट। इसे चर्निंग का जोन माना जाता है, मंथन का जोन माना जाता है। यदि यहां पर आपने मंदिर बना रखा है तो यह आपकी चिंता का कारण बन सकता है। पूजा पाठ करने के लिए यह स्थान ठीक नहीं है। ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में पूजा करना केवल स्टॉक ब्रोकर के लिए ठीक रहता है, बाकी सभी को यहां पूजा करने से परहेज ही करना चाहिए। इसके बाद में आगे की डायरेक्शन है साउथ ईस्ट। अग्नि कोण के अंदर यदि आप माता दुर्गा की उपासना करते हैं तो थोड़े संदर्भ के अंदर यह ठीक है, अन्यथा इस दिशा में पूजा करने से धन खोने का डर रहता है, इसलिए यहां पर भी पूजा करने से आपको परहेज ही करना चाहिए। इससे आगे वाली डायरेक्शन है साउथ ऑफ साउथ ईस्ट की, यह है कॉन्फिडेंस की, आत्मविश्वास की। तो आपको आत्मविश्वास यानी बलवान बनाने का काम करते हैं बजरंगबली, तो श्री हनुमान जी महाराज की पूजा के लिए सबसे आदर्श स्थान है वो है साउथ ऑफ साउथ ईस्ट। लेकिन दूसरी पूजा यहां पर प्रभावशाली नहीं रहती है। इसके बाद में दक्षिण दिशा, जो कि आराम का जोन है, यहां पर मैं ये कहूंगा कि ध्यान करने की जगह तो अच्छी है, लेकिन पूजा पाठ किसी विशेष देवी देवता की हो सकती है। इसके लिए मेरा एक दूसरा वीडियो है, उसे आप देख सकते हैं कि कौन सी दिशा के अंदर कौन से देव की पूजा करना सबसे बेस्ट रहता है। सामान्यतः जो घर की पूजा पाठ है वो हमें इस डायरेक्शन में नहीं करनी चाहिए। इसके बाद में जो नेक्स्ट जोन है वो है साउथ ऑफ साउथ वेस्ट। यदि यहां पर आपने पूजा घर बना रखा है, मित्रों आपकी सारी मेंटल एनर्जी जो है ना कहीं पर डिस्पोज ऑफ होना शुरू हो जाएगी। वहां पे यदि आप दीपक करते हैं तो आपको कैश से संबंधित भी बहुत बड़ी दिक्कत और परेशानी आ सकती है। आप कहेंगे हम पैसा कमा खूब रहे हैं लेकिन वो खड्डे में जा रहा है, प्रयास खूब कर रहे हैं लेकिन वो खड्डे में जा रहा है। तो मंदिर के लिहाज से साउथ ऑफ साउथ वेस्ट किसी भी प्रकार से उपयुक्त स्थान नहीं है। यदि आपके घर के अंदर पूजा पाठ का स्थान जो बना हुआ है, पूजा रूम जो बना हुआ है, वो साउथ वेस्ट के अंदर बना हुआ है, तो भी
यह व्यापार के अंदर जो प्राप्तियां हैं आपकी, जो अपन कहते हैं ना कि पैसे जल्दी जल्दी आए, उसके अंदर प्राप्तियों को बहुत धीमा कर देता है। तो यहां पर पूजा करना ठीक नहीं रहता। केवल भगवान श्री विश्वकर्मा जी की पूजा यहाँ पर आप कर सकते हैं। जो लोग कामकाजी हैं, जो स्किल ओरिएंटेड वर्क करते हैं, जो विश्वकर्मा जी की तरह हथियार जैसे जो औजार हैं उन औजारों से काम करते हैं, ऐसे लोगों को यहाँ पर भगवान श्री विश्वकर्मा जी की पूजा करने से उनकी स्किल के अंदर बहुत बड़ा लाभ दिखाई देना शुरू होता है। इसके अलावा और किसी भी प्रकार की पूजा साउथ के वेस्ट के अंदर आपको नहीं करना चाहिए। बेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट, यदि इस डायरेक्शन के अंदर आपने पूजा रूम बना रखा है तो माता सरस्वती की पूजा तो यहाँ पर प्रशस्त है। इसके अलावा यहाँ पर आपको मंदिर नहीं बनाना चाहिए। यदि आपका मंदिर है पश्चिम दिशा के अंदर, पश्चिम दिशा के अंदर आपके जो गुरु हैं, जैसे गुरुओं से संबंधित, चाहे वो जीवित गुरु हैं चाहे फिर वो ऐसे हैं जिन्होंने चोला छोड़ दिया है, इन सभी गुरुओं की पूजा आप पश्चिम दिशा के अंदर कर सकते हो। बाकी की पूजा यहाँ करने से आपको परहेज करना चाहिए। माँ धरती की पूजा यहाँ पर करना सर्वश्रेष्ठ रहता है। नेक्स्ट डायरेक्शन है WNW की, वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट के अंदर मंदिर नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि यह डिप्रेशन का जोन है। तो पूजा पाठ जो है वो डिप्रेशन से दूर जाने का माध्यम है, क्योंकि हम अपने आप से जुड़ाव का प्रयत्न करने के लिए पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं ताकि हमारी मनोकामना पूर्ति हो, हमें कोई इंसाइट मिले जिससे हम स्टक हुए तो आगे निकल पाए। लेकिन वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट में यदि आपने पूजा घर बना दिया तो यह मामला टोटली उल्टा हो जाता है। इसलिए यहाँ पर भी आपको पूजा घर नहीं बनाना चाहिए। इससे आगे वाली डायरेक्शन जो है वो है नॉर्थ वेस्ट, यानी कि वायव्य कोण। यह है सपोर्ट का जोन। यहाँ पर यदि आपने अपने कुल देवी देवताओं का पूजा स्थान बनाया है तो कुल देवी देवताओं की पूजा के लिए सबसे आदर्श स्थान है ये। उसके अलावा बाकी देवी देवताओं की पूजा के लिए यह स्थान अच्छा नहीं हो सकता। यदि आपने पितरों की पूजा करनी है, अपने कुल देवी देवताओं की पूजा करनी है तो नॉर्थ वेस्ट के अंदर आप पूजा स्थान बना सकते हैं। नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट के अंदर भी क्योंकि जल तत्व की डायरेक्शन है तो वहां पर आप पूजा घर बना सकते हैं, लेकिन बार बार फिर आपका आकर्षण रहेगा कि भाग भाग के जाओगे कि पूजा करे जी, भगवान जी सब कुछ करे जी। तो यह आपको जुड़ाव के बजाय एक आकर्षण तो बना देगा, लेकिन वह एक जुड़ाव नहीं बन पाएगा जैसा आपको ईष्ट के साथ जुड़ाव होना चाहिए। और यह आकर्षण भी है ना, एक सांसारिक आकर्षण को ज्यादा प्रधानता से देता है। इसलिए आपको NNW के अंदर, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट के अंदर पूजा करने से परहेज ही करना चाहिए। उत्तर दिशा धन की दिशा है तो यहाँ पर माता लक्ष्मी की, गणेश भगवान की पूजा प्रशस्त है, की जा सकती है। नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट के अंदर आप पूजा रूम बना सकते हैं, बस आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि लाल पीले रंग का उपयोग नहीं करना है, कोई भी नुकीली चीज का उपयोग नहीं करना है, अखंड दीपक आपने यहाँ पे नहीं करना है। पूजा घर बनाते समय यदि आपने इन सभी बातों का ध्यान रखा तो आपके घर का वास्तु आपकी पूजा को और ज्यादा सार्थक बनाने में आपका बहुत बड़ा सहयोग करेगा। आपकी पूजा अच्छे से फलित हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय सिया राम।